हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो यार आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ अम्ब्रेन पावर बैंक की, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट सेल में परचेस किया बिग बिलियन डेज में, जो कि मुझे 539 रुपीज़ का पड़ा है। और इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन दोस्तों अभी इसका जो प्राइस है बढ़ चुका है, यहाँ पे आपको 699 या फिर आपको 799 देखने को मिलेगा। तो इसका मैं डिटेल में आज रिव्यू देने वाला हूँ, तो यार वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिए। तो चलिए दोस्तों अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो बॉक्स के ऊपर आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है पावर बैंक का, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, इनपुट और आउटपुट दोनों। यहाँ पे ये चार्ज भी फास्ट चार्जिंग से होगा एंड आउटपुट जो देगा वो भी फास्ट चार्जिंग, यानी 20 वाट तक आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा इस पावर बैंक में। सो बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का बॉक्स है पावर बैंक का। तो चलिए इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे एक सील लगा हुआ है, तो इसको सिंपली कट करके ओपन कर लेना है। तो मैंने पहले से कट कर लिया हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा दोस्तों आपको फास्ट चार्जिंग डेटा केबल देखने को मिलता है इस पावर बैंक के साथ। आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा केबल की क्वालिटी जो काफ़ी बेटर देखने को मिलती है यहाँ पे। इससे आप फास्ट चार्जिंग भी कर सकते हैं इस डेटा केबल से, लेकिन इसका जो लेंथ है वो छोटा आपको देखने को मिलता है, जो कि पावर बैंक के साथ जो केबल मिलता है उसी टाइप का। और यहाँ पे आपको एक रेटिंग कार्ड देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे रखते हैं साइड में। और यहाँ पे आपको एक यूज़र मैनुअल भी देखने को मिलता है, तो चलिए इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको बॉक्स में एक कैरी बैग देखने को मिलता है, जिसमें आप पावर बैंक को आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैरी बैग की क्वालिटी जो वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो इसमें आपको जो है पावर बैंक सेफ रहेगा, यहाँ पे स्क्रेचेज वगैरह नहीं आएंगे आपके पावर बैंक में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा दोस्तों पावर बैंक, जो कि 10,000 mAh का है, और मैंने इसको ग्रीन कलर में परचेस किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा पतला है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आगे की साइड आपको अम्ब्रेन की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, एंड ऊपर की साइड आपको दो पोर्ट देखने को मिलता है यहाँ पे, एक टाइप सी जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक आउटपुट जो है यूएसबी पोर्ट है, तो यहाँ पे आपको दो आउटपुट एंड एक इनपुट देखने को मिलता है, जो कि तीनों दोस्तों 20 वाट सपोर्ट करता है। और यहाँ पे आपको साइड में इंडिकेटर लाइट देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आपको बैटरी शो करेगा। एंड इसमें आपको एक ग्रीन कलर का लाइट देखने को मिलता है, जो कि अगर आपका पावर बैंक फास्ट चार्जिंग हो रहा है तो यहाँ पे आपको ग्रीन लाइट जलेगा, और फास्ट चार्जिंग जो आउटपुट दे रहा है उसमें भी आपको ग्रीन लाइट जलेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको चेक करके एक बार दिखाता हूँ किस तरह से ये वर्क करता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे मैं एक चार्जिंग पे लगाता हूँ अपने पावर बैंक को, और ये मेरा 20 वाट का चार्जर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चार्जिंग होने लगा है, एंड यहाँ पे ग्रीन लाइट इंडिकेट कर चुका है, यानी अभी ये फास्ट चार्जिंग से चार्ज हो रहा है मेरा पावर बैंक। तो इसी तरह से आप अगर आप फोन को चार्ज करते हैं, तो अगर आपका फोन फास्ट चार्जिंग होता है तो इस तरह से आपको ग्रीन लाइट जल जाएगा, तो समझ जाना आप कि आपका फोन फास्ट चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके चार्जिंग स्पीड की। तो यहाँ पे आपको 20 वाट का सपोर्ट तो देखने को मिलता है इस पावर बैंक में, लेकिन कितना देर में आपका फोन चार्ज होकर यहाँ पे इसका चार्जिंग स्पीड टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली प्लग इन कर देता हूँ इसका जो डेटा केबल साथ में आया है फास्ट चार्जिंग वाला, तो यहाँ पे मैंने प्लग इन कर दिया एंड अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगा देता हूँ। तो अभी मेरे पास यहाँ पे Mi A3 है, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे चले चार्जिंग पे लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं फ़ोन जो है चार्ज होने लगा है, और यहाँ पे इंडिकेटर लाइट जल चुका है पावर बैंक में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग रैपिडली लिख के आ चुका है फ़ोन में। तो यहाँ पे ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है पावर बैंक, और फ़ोन भी यहाँ पे फास्ट चार्जिंग होने लगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं टाइम जो है 11:32 हो रहा है। तो चार्जिंग स्पीड टेस्ट करने के लिए यहाँ पे 5 मिनट इसको चार्ज होने देते हैं, एंड देखते हैं 5 मिनट में ये कितना परसेंट चार्ज करता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं 5 मिनट के बाद। सो गाइस यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ पे फ़ोन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11:36 हो रहा है, यानी अभी 4 मिनट हुआ है, और हमने 2% पे चार्ज लगाया था 11:32 में। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं 7% चार्ज हुआ है, तो यानी आपको 4 मिनट में 5 से 6% आपको चार्जिंग देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस प्राइस में आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पावर बैंक आपको देखने को मिलती है, एंड इसमें आपको काफ़ी सारे प्रोटेक्शन भी देखने को मिलते हैं, ओवर चार्ज प्रोटेक्शन, एंड यहाँ पर आपको टेम्परेचर प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। और इस पावर बैंक में जो बैटरी है दोस्तों वो आपको लिथियम पॉलीमर बैटरी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पावर बैंक हो जाता है इस प्राइस में, और ये 10,000 mAh का है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा वेट भी नहीं है, आप इसको पॉकेट में भी आसानी से कैरी कर सकते हैं। आपको ये लाइट वेट है, ज़्यादा वेट नहीं है इस पावर बैंक पर। एंड दोस्तों सबसे बड़ी बात, इसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलता है 500 के प्राइस पे। तो यार अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो आप इसको परचेस कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको इसको परचेस करना चाहते हो तो एक दिवाली सेल आने वाला है, उसमें भी आप परचेस कर सकते हो, उसमें आपको प्राइस जो है थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो यार उम्मीद है आपको ये अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो यार अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के अनबॉक्सिंग वीडियो के लिए, एंड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यार आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर से एक और नई अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।